हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कुछ अपने बारे में बताऊंगा। मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ, फिटनेस एक्सपर्ट हूँ और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। एंड मैंने इसके साथ कुछ वर्कशॉप्स भी करी हैं, जैसे कि कोर ब्लास्ट, स्ट्रेजिलिटी। एंड मुझे इस फील्ड में लाइक 5 साल से ज्यादा हो गए और मैं काफी सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। लाइक मैं अराउंड 800+ लोगों को अभी तक ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। एंड मेरी एक्सपर्टीज है वेट लॉस, इंच लॉस, फैट लॉस, वेट गेन, मसल गेन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद बॉडी वेट विद इक्विपमेंट्स, स्पेशल पॉपुलेशन जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ओल्ड एज, चिल्ड्रेन एक्सेट्रा। आज की वीडियो में आपको हेक्टिक शेड्यूल सीरीज का बैक के वर्कआउट के बारे में गाइड करूंगा। अगर आपका शेड्यूल हेक्टिक है तो ही ये वर्कआउट प्लान फॉलो करें, वरना प्रॉपर टाइम दे वर्कआउट को। इस वीडियो में मैंने बैंड और इक्विपमेंट यूज करके तो आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो और जिम में भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप में आप जंपिंग जैक्स, हाई नीज या स्किपिंग रोप कर सकते हैं और इसमें आपको 50-100 रेपिटेशंस करने हैं। एंड जब भी आप ये मूवमेंट्स करोगे तो बीच में आप प्रॉपर ब्रीदिंग करते हो। अब हम डायनेमिक स्ट्रेचिंग के साथ आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें आपको 10 रेपिटेशंस करने हर स्ट्रेच के विद प्रॉपर ब्रीदिंग। तो आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एक्सरसाइज लैट पुल डाउन। इसमें आपको इनहेल करते हुए बार या बैंड को चिन तक लाना है एंड एक्सहेल करते हुए वापस ऊपर जाना है। अब सेकेंड एक्सरसाइज है बेंट ओवर रो। इसमें आपकी इनिशियल पोजीशन में नीज सॉफ्ट रहेंगे एंड आपको लीन फॉरवर्ड करना है फ्रॉम वेस्ट। इनहेल करते हुए डंबल या बैंड को आपको नेवल तक लाना है एंड 1-2 सेकेंड के लिए होल्ड करो, फिर आपको एक्सहेल करते हुए स्ट्रेट नीचे जाना। थर्ड एक्सरसाइज है सीटेड रो। इसमें आप बैंड या तो सीटेड रो मशीन यूज कर सकते हो। इनहेल करते हुए आपको एल्बोस पीछे पुल कर रहे हैं एंड एक्सहेल करते हुए आपको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। फोर्थ एक्सरसाइज है ट्रैप रेजेस। इसमें आपको इनहेल करते हुए प्लेट या बैंड को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है शोल्डर के पैरेलल एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आपको नीचे आना।
लास्ट एक्सरसाइज है पुलअप, इसमें आपको बार को पकड़ना है एंड इनहेल करते हुए धीरे धीरे आपको ऊपर अपने बॉडी को पुल करना है एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आपको नीचे आना है। ये थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, तो जितना आप इसमें मैक्सिमम पुश कर सकते हो उतना करो। अब एक्सरसाइज खत्म करने के बाद हम 5 मिनट्स के लिए स्लो वॉक करेंगे एंड लास्टली हम वर्कआउट को एंड करने के लिए थोड़ी सी स्टैटिक स्ट्रेचिंग करेंगे एंड इसमें आपको 15 to 20 सेकंड्स के लिए हर स्ट्रेच को होल्ड करना है विद प्रॉपर ब्रीदिंग।